सुजैन कैंडिडेट्स, देखो एक बैलन नंबर तो आप सभी के लिए SW क्वेश्चन, एंड एक दो कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं जिसमें एक कैंडिडेट का नाम है पीयूष। ठीक है, मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, मतलब सारे जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ वो आप में से सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, और प्लस पॉइंट भी ऐड करके। तो डेफिनेटली अच्छी चीज़ें हैं, मतलब एटलीस्ट दूसरे कैंडिडेट कमेंट को पढ़ते होंगे और उसके बाद जो खुद कमेंट कर रहा है तो उसका भी उससे फायदा होता होगा। तो उसी बेसिस पे क्वेश्चन आपसे भी, और कल मैंने 4 से 5 फुल फॉर्म पूछे थे जिसमें एक रैम था, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सबने आंसर कर दिए थे, रीड ओनली मेमोरी, और एक HTML था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, एक HTTP था, ट्रांसफर पोर्टो का, ठीक है, और एक कोई और था। चलो कोई नहीं, मैं आज आज का एक क्वेश्चन आप सभी से पूछ लेता हूँ। पहले HDFC बैंक का नाम आप सभी ने सुना होगा, इसका फुल फॉर्म मुझे बताओ, HDFC बैंक का फुल फॉर्म बताओगे मुझे। ठीक है, और भी क्वेश्चंस आएंगे, मैं क्वेश्चन भाई बहुत पूछता हूँ। चलो, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, बहुत फेमस है, ठीक है, काजीरंगा कहाँ पे, असम पे है, ठीक है, असम पे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। काजीरंगा हो गया, कंचनजंगा हो गया, कंचनजंगा कहाँ पे है सर, सिक्किम पे, कंचनजंगा कहाँ पे है, सिक्किम पे, ओके, काजीरंगा असम पे हो गया। आगे बढ़े, एक काज असम का एक और पूछा जा सकता है भाई, कि रिसेंट में उसे कुछ अवार्ड भी मिला था, तो औरंग है, तो आ फॉर औरंग, आ फॉर आ फॉर असम, आ फॉर औरंग, आ फॉर असम, आ फॉर औरंग, काजीरंगा औरंग हो गया। मध्य प्रदेश में भाई सबसे ज्यादा भारत में, अगर नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं, चीते की बात कर लेते हैं, टाइगर प्रोजेक्ट जो अपने इंडिया में आया 1973 में, टाइगर प्रोजेक्ट, तो MP में सबसे ज्यादा चीते पाए जाते हैं, ठीक है, और मध्य प्रदेश में फेमस है, जैसे कूनो, कूनो नेशनल पार्क फेमस है, क्योंकि यहाँ पे फेमस तो नहीं है लेकिन यहाँ पे भाई अभी चीते आए थे, आप सभी को पता होगा, 8 चीते आए थे नामीबिया से, ठीक है, जिसमें आपका 3 नर थे और 5 मादा। कूनो, कूनो आपका मध्य प्रदेश में हो जाता है, बहुत एग्जाम में पूछा है, यूपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा जाता है, कूनो हो गया, SSC के बहुत एग्जाम में पूछा हुआ। मध्य प्रदेश में और भी है भाई, पन्ना हो जाता है, पन्ना हो जाता है, बांधवगढ़ चीता के लिए फेमस है, बांधवगढ़, ठीक है, बाघ के लिए फेमस है, बांधवगढ़ बाघ के लिए फेमस है, ठीक है, तो ये हो जा रहा है बांधवगढ़, संजय संजय गांधी करके हो जाता है, वो महाराष्ट्र बॉर्डर से लगता है, ठीक है, और भी यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो सारे नहीं पढ़ने हमें, ऐसे हम डिस्कस करें, पन्ना हो गया, बांधवगढ़, कौन, ये 3 हो जाने का, ठीक है, और उड़ीसा के 2 हैं जो पूछे जा सकते हैं, एक तो सिमलीपाल, सिमलीपाल उड़ीसा का, और एक भितरकनिका, ये लास्ट टाइम UPPCS भितरकनिका, ये लास्ट टाइम UPPCS के पेपर का पहले शिफ्ट का पहला, मतलब एक ही शिफ्ट होती है उसका पहला क्वेश्चन था कि भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है इंडिया में, तो उड़ीसा में, ठीक है। आगे चले, यहाँ पे दाचीगम जम्मू कश्मीर बात कर चुका हूँ ऑलरेडी, अरुणाचल प्रदेश पे भी एक है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, किसी को याद हो तो कमेंट कर दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश का भी एक काफ़ी फेमस है। चलो कोई नहीं, ठीक है, ललित कला अकादमी 1952 में इसकी स्थापना हुई थी, किस क्षेत्र को बढ़ावा और प्रोत्साहन देती है, तो चित्रकला, शिल्प और वास्तुकला, संगीत एवं नृत्य, साहित्य और नाटक, चित्रकला, शिल्पकला और वास्तुकला इसका आंसर हो जाएगा। संगीत के क्षेत्र में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिकी केज है भाई, ठीक है, इनको ग्रैमी अवार्ड मिला है, रिकी केज नाम इनका, ठीक है, रिकी केज इनको ग्रैमी अवार्ड मिला है, ठीक है, 2023 पे इनको पूछा जा सकता है, तीसरी बार मिला है, SSC पे पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ओके, आगे बढ़े यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हजारों झीलों की भूमि, देखो क्वेश्चन, हाँ ऐसा हो सकता है, मैं थोड़ा सा जो क्वेश्चन है ना, ये मेरे क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी है, मैं रियली बता रहा हूँ आपको, सच बता रहा हूँ ये पेपर के लेवल से, लेकिन मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उसके आसपास वो सारे मिला के वरन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हजारों झीलों की भूमि, अब यहाँ पे आपको फिनलैंड की मुझे कैपिटल कमेंट करनी है आप सभी, इसका आंसर हजारों झीलों की भूमि किस नाम से कहते हैं, तो फिनलैंड को कहते हैं, ठीक है, फिनलैंड को कहते हैं यहाँ पे हजारों झीलों की भूमि। और अच्छा, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स अभी रिपोर्ट आई है रिसेंटली, आपके पेपर में पूछेगा नहीं, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इंडिया की रैंकिंग में सुधार हुआ है, 127 रैंक पे इंडिया है और फर्स्ट नंबर पे फिनलैंड है, ठीक है। 2022 में इंडिया की रैंक क्या थी सर, 135, 2023 में कितनी हुई है, 27, 8 रैंकिंग की सुधार हुई है, ओके। हजारों झीलों की भूमि, अच्छा ये नार्वे, नार्वे की कैपिटल क्या है, ओस्लो, ठीक है, ओस्लो, मनी हाइस्ट देखी होगी उसमें एक करेक्टर है ओस्लो, ठीक है। क्यूबा की हवाना हो जाते हैं, और जापान की आप सभी जानते हो, जापान की सभी जानते हो टोक्यो, ठीक है, टोक्यो भी है भाई उसमें, टोक्यो एक लड़की है ना, मैंने देखी थी अभी, पूरी नहीं हुई, कभी देखें यार टाइम निकाल के, ठीक। सीमान एयरफोर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये एयरफोर्स में पूछा हुआ है कि किस नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है, ये हमसे पूछ लिया जाता है, तो सीमांत गांधी के नाम से, हु इज नोन, मतलब नेम किसका है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फर का इसका राइट आंसर हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फर का बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, कुछ ज़्यादा है नहीं,
ठीक है। दलाई लामा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश पे। धर्मशाला का नाम सुना होगा, स्टेडियम भी है हिमाचल प्रदेश पे, फेमस है। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? कल मैंने आपको हॉकी के कुछ बताए थे और फुटबॉल के बताए थे, फिर से फुटबॉल वाले आपको रिवाइज करा देता हूँ। सुब्रोतो कप हो जाता है, मर्डेका कप हो जाता है, डूरंड कप हो जाता है, ये मर्डेका, ये डूरंड, ये सुब्रोतो, एक रोवर्स कप हो जाता है। इन्हीं चारों में से आपके पेपर में अगर ट्रॉफी से आएगा तो इन्हीं में से आएगा, ठीक है। क्रिकेट से देवधर ट्रॉफी होती है, ऐसे जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में चल रहा है, आज दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गया है, ठीक है। उसके बाद ऐसे जो हो जाता है, देवधर ट्रॉफी हो जाता है, दिलीप ट्रॉफी हो जाता है, रणजी ट्रॉफी हो जाता है, ये सब क्रिकेट से होते हैं, ठीक है। टेनिस में आप सभी जानते हो, बैडमिंटन जो टेनिस से रिलेट होता है, और हॉकी का मैंने कल आपको बता ही दिया था, बैडमिंटन अलग हो जाता है, टेनिस अलग हो जाता है, ठीक है। टेनिस की वही चार प्रतियोगिताएं जो होती हैं वो मैंने आप सभी को बता रखा है ऑलरेडी, इस बार कौन जीता है वो भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अभी जो फ्रेंच ओपन हुआ था रिसेंटली, और दो हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो महिला में जीती है उनका नाम है सबलेंका, लंका उनके पीछे, नाम के पीछे आता है, मानो उन्होंने सबकी लंका लगा दी। और अगर मेल में बात करता हूँ भाई मेरे, तो दोनों को नोवाक जोकोविच ने जीता, नोवाक जोकोविच ने जीता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो या फिर फ्रेंच ओपन हो, दोनों को नोवाक जोकोविच ने जीता है, ठीक है। और फ्रेंच ओपन में अगर वुमेन की बात कर लेता हूँ, फीमेल की बात कर लेता हूँ, सर इगा स्वेतेक ने जीता है, इगा स्वेतेक ने जीता है। कुछ करंट के क्वेश्चन कर लेंगे, जैन धर्म की स्थापना किसने की? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर आपके पेपर में पूछा जा सकता है, 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ थे, ठीक है। पहले कौन थे? ऋषभ देव। पहले कौन थे? ऋषभ देव, ऋषभ, चलो ऋषभ देव, देव लिख दे रहा हूँ ऋषभ, क्योंकि हम लिखने वाला नहीं है, ठीक है। तो जैन धर्म की वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो स्वामी महावीर को कहा जाता है, ठीक है, स्वामी महावीर को कहा जाता है, ठीक है। और आगे बढ़े यहाँ पे, प्राकृत भाषा में इन्होंने पहले उपदेश दिए थे, पूछा जा सकता है इन्होंने, जैसे कि गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में दिए, तो इन्होंने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए, प्राकृत भाषा में, ठीक है। आगे चले यहाँ पे, जैन धर्म की दो मीटिंग्स हुई, ठीक है, जैसे कि मैंने आप सभी को चार मीटिंग कराई थी, ठीक है, चार मीटिंग कराई थी बौद्ध धर्म की, जो मतलब मीटिंग्स हुई, जैसे पहले की अजातशत्रु ने अध्यक्षता की, ठीक है, अजातशत्रु ने अध्यक्षता की, ठीक है, कहाँ पे हुई थी आप सभी को याद होगा, अजातशत्रु ने करी, ठीक है, राजगीर पे। दूसरी आपका वैशाली पे करी थी, काला शोक ने वैशाली पे, ठीक है, मैंने आपको याद कराया था एक एक, ठीक है। तीसरी अशोक ने करी थी, फिर चौथी कनिष्क ने कश्मीर में करी थी, और अशोक ने पाटलिपुत्र में करी थी, ठीक है, काला शोक ने वैशाली में। ऐसे ही जैन धर्म की दो मीटिंग्स हुई थी भाई मेरे, ठीक है, एक एक याद कर लेना, ठीक है, एक एक ये आपका होगा अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद आपका आ जाता है काला शोक, काला शोक के बाद अशोक, अशोक के बाद आपका फिर से के फॉर कनिष्क, ठीक है, कनिष्क ने के फॉर कश्मीर हो जाते हैं, कनिष्क ने कश्मीर में करी, और पाटलिपुत्र अशोक ने पाटलिपुत्र, और उसके बाद काला शोक ला आ रहा है, तो वैशाली में भी ला आ रहा है, ला ला कैसा, हाँ, अजातशत्रु, अजात जिसका कोई शत्रु ना हो, मतलब कि राजा तो होगा ही फिर वो, तो राजगीर, ठीक है, राजगीर पे उन्होंने करी थी, ठीक, इतना पूछा जा सकता है। और चले आगे, इनकी दो हुई थी, एक स्थूल भद्र की अध्यक्षता में थी, स्थूल भद्र एक का नाम था, ठीक है, और दूसरी जो हुई थी भाई देवार्धगिणी, देवार्धगिणी ऐसे नाम था, हिंदी गलत लिख जाए तो सॉरी, मैं बोल रहा हूँ सुन लीजिए, स्थूल भद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुई थी, और देवार्धगिणी की अध्यक्षता में वल्लभी में हुई थी, ठीक है, मीटिंग्स। आगे बात करते हैं, अगरतला किस राज्य की राजधानी है? सबको पता हो, सिक्किम की गंगटोक उड़ जाती है, मणिपुर की इम्फाल हो जाती है, असम की दिसपुर हो जाती है, त्रिपुरा की, सिक्किम की गंगटोक हो गई, मणिपुर की इम्फाल हो जाती है, असम की दिसपुर, त्रिपुरा की अगरतला हो जाती है, मिजोरम की आइजोल हो जाती है। अब आप सभी के लिए एक टास्क है, ठीक है, वो चाहे गूगल करो या कॉपी से लिखो, चाहे कॉपी से देख के लिखो, इन चारों स्टेट के मुझे चीफ मिनिस्टर बताओगे कॉमेंट में, आ सकता है करंट क्वेश्चन एक बन सकता है कि किस स्टेट के, और आपसे यूपी के नहीं पूछेगा, ना एमपी के पूछेगा, मामा का और बाबा जी का, ठीक है, नहीं पूछेगा भाई मेरा, आपसे इन स्टेट का पूछा जा सकता है, तो बताइएगा, मैं कमेंट पिन कर दूंगा, तो पढ़ लेना। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है, तो गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने करी थी, ठीक है, श्री गुप्त ने करी थी, तो गुप्त काल हो जाता है। मुगल काल का भी स्टार्ट हुआ था 1526 में, बाबर ने शुरू किया था, ओके। मौर्य युग किसने शुरू किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य कौटिल्य की सहायता से 3-2-1 में शुरू किया था, अशोक इसी में तो था। आगे आर्य युग, जो जो आर्य भारत में आए थे वो मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, ऐसा प्रोफेसर मैक्स मुलर ने कहा है, और बहुत सारे मतलब जो हिस्टोरियन है उनके अपने अलग अलग व्यूज हैं, तो भाई सबके व्यूज पे नहीं जाना है, मोस्टली बुक्स में यही देखने को मिल जाता आर्य मध्य एशिया से आए थे, बात खत्म। कानपुर किसके लिए फेमस है? तो लेदर इंडस्ट्री के लिए फेमस है कानपुर, लेदर इंडस्ट्री के लिए फेमस है कानपुर, ओके। आगे बात करते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इंडिया का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है,
इंडिया का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? सूती वस्त्र उद्योगों के कारण उसे कहा जाता है, सूती वस्त्र उद्योगों के कारण तो सर कोयम्बटूर को कहा जाता है, कोयम्बटूर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, हीराकुंड बहुद्देशीय परियोजना ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, हीराकुंड कहाँ पे है? महानदी पे है, ठीक है। हीराकुंड कहाँ पे है? महानदी पे है, तो कहाँ पे हो जाएगी? महानदी कहाँ पे है? उड़ीसा पे हो जाएगी। कृष्णा रिवर आंध्र प्रदेश में हो जाती है, कृष्णा रिवर आंध्र प्रदेश में हो जाती है, ठीक है। कुचिपुड़ी यहाँ का डांस है, आंध्र प्रदेश का डांस कुचिपुड़ी फेमस है, कुचिपुड़ी क्योंकि शास्त्रीय डांस है, ठीक है। और गोदावरी साउथ की वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है रिवर, ठीक है। वृद्ध गंगा के नाम से रिवर गोदावरी को जाना जाता है, ठीक है। हीराकुंड बहुद्देशीय परियोजना हो गई, महानदी उड़ीसा। और भी मैं बता दूं, भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पे है, भाखड़ा नागल परियोजना कहाँ पे? सतलज नदी पे। अगर आपसे भागीरथी पे पूछ दे कौन सी परियोजना है, तो टिहरी बांध जो है, टिहरी बांध, ठीक है। टिहरी बांध सर उत्तराखंड में है, कहाँ पे? भागीरथी रिवर पे है, भागीरथी रिवर पे है। अच्छा, सबसे गहरी नदियाँ कौन सी हैं पता है, जहाँ पे पानी ज़्यादा है, बता सकते हो? तो अलकनंदा हो जाती है, अलकनंदा हो जाती है, और भी हैं। चलो, भारतीय भूमि में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? भारतीय भूमि की बात की जा रही है, भारतीय भूमि पे, ठीक है। तो केटू हो जाती है, केटू हो जाती है। एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8,848 मीटर, ठीक है, जबकि इसकी हो जाती है 8,611 मीटर। कंचनजंगा कहाँ पे है सर? सिक्किम पे है, ठीक है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? देखो, भारत का जो संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, और जो पूर्णतया लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो सर जिस दिन संविधान बना था वही अपना संविधान दिवस माना जाता है, 26 नवंबर 1949 इसका राइट आंसर होगा। तो 26 जनवरी गलत है, 29 अप्रैल गलत है, 21 जुलाई भी गलत है, 26 नवंबर इसका राइट आंसर होगा। 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बन के तैयार हो गया था, 2 वर्ष 11 माह एंड 18 दिन का समय लगा था, ठीक है। इसमें पूछ सकता है जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है सर, समझ में आ गया। प्रारूप समिति के, अगर संघ समिति के बोल दें, संघ समिति के, तो संघ सबसे ज़्यादा मान लो उस टाइम पे पावर किसके पास था? प्रधानमंत्री के पास। प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू। तो मैं पीटी नेहरू लिख देता हूँ, पंडित जी नेहरू, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे चलें, और भी मतलब वो थी, सभाएं थी, और भी लोग बने, ठीक है। कोई अस्थाई बना, कोई स्थाई बना, तो वो फिर बहुत हो जाएगा, तो हम धीरे धीरे सब डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन में आता जाएगा। निम्न में से कौन सा बंदर का पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? कल की टेलीग्राम पोस्ट अगर जिसने देखी होगी तो बहुत अच्छी बात है, देखते ही क्वेश्चन का आंसर कर देगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था, ठीक है, 12 से 13 बंदरगाह हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनके कल किसी एक लड़के ने भाई सारे बहुत अच्छे से कॉमेंट भी किए थे, और वो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर पोस्ट भी किए हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पर देख सकते हो। तो उसमें कौन कौन सा हो जाता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये मंगलोर आपका कर्नाटक में पड़ता है, हमसे पूछा कौन सा बंदर का पश्चिमी तट पे नहीं है, मतलब ये पश्चिमी तट हुआ, ये पूर्वी तट हुआ, ठीक है। अब देखो कांडला, कल मैंने आपको बताया था ज्वारी बंदरगाह है, ठीक है, ज्वारी बंदरगाह गुजरात में पड़ता है ये, ठीक है। और उसके बाद मुंबई बंदरगाह, तो मुंबई में हो गया, और मंगलोर आपका कर्नाटक पे, बैंगलोर पे, ठीक है। तो महाराष्ट्र के नीचे आपका आ जाता है, यहीं पास में आपका मंगलोर, कर्नाटक, कर्नाटक में हो जाता है, तो ये पश्चिमी हो गया सर। एन्नौर आपका तमिलनाडु में आ जाता है, तो ये साउथ में आ जाएगा नीचे, तो पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका आंसर, ओके। आगे चलें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कांडला हो गया, मुंबई हो गया, मैंगलोर हो गया, ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आई थिंक आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति कब घटित हुई? तो इस क्वेश्चन का आंसर 1789 में हुई थी। फ्रांस के चीफ मिनिस्टर कौन है, ठीक है, मतलब फ्रांस के लाइक जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, उनका क्या नाम है? इमैनुअल मैक्रोन नाम है, ठीक है। फ्रांस ने अभी आपका जो कतर में 2022 का ओलंपिक क्या जो हुआ था, फीफा हुआ, ठीक है, फीफा हुआ, इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और सेमीफाइनल में जाके वो गेम को लॉस किया, अर्जेंटीना जीत गई फाइनली, बट कोई बात नहीं। फ्रांस के एम्बाप्पे आप सभी को याद होगा, ठीक है, ये कैप्टन नहीं तो उस टीम के प्लेयर थे, फेमस प्लेयर थे। और फ्रांस ने 2018 का जो फीफा था वो जीता था, जो रूस में हुआ था, और 2000 ये कहाँ पे हुआ है, तो फ्रांस 2022 वाला कहाँ पे हुआ था? कतर में हुआ था। फ्रांस की इमैनुअल मैक्रो हो गए वो, और फ्रांस की क्रांति कब घटित हुई थी? तो 1789 में। फ्रांस सीन नदी के तट में स्थित है। फ्रांस पेरिस इसकी कैपिटल है। पेरिस हम क्या करने जाते हैं? सीन देखने जाते हैं, तो सीन रिवर पे हो जाता है, ठीक है, सीन रिवर पे हो जाता है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हो?
क्लोज्ड इकोनॉमी का रिलेशन क्या होता है, अपनी जो इकोनॉमी है वो पता है कैसी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है यहाँ पे, मिक्स्ड इकोनॉमी जिसे बोलते हैं, ठीक है, ना कि पूंजीवादी है, हाँ कि भाई बिल्कुल केवल रुपए रुपए की आप बैठी है सब काम हम कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं है। क्लोज्ड इकोनॉमी मोस्टली अब ज़्यादा किसी देश में नहीं बची है, एक देश जरूर बोला जाता है न्यूज वगैरह में, वो है साउथ नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया जिसे आप बोलते हैं, उत्तर कोरिया में बंद अर्थव्यवस्था है, लाइक कि न किसी से इम्पोर्ट करना ना किसी से एक्सपोर्ट करना, आपस में ही खुद में जो कर पाना कर लो, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था, मतलब अर्थव्यवस्था में किसी चीज़ का आदान प्रदान टाइप में ना करना, उसमें आयात निर्यात का बंद कर देना, उसे हम बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गजलों का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, तो गजलों का जनक मिर्जा गालिब की गजलें आप सभी ने अगर सुनी तो नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि सुनी होगी, ठीक है, तो मिर्जा गालिब इसका राइट आंसर हो जाएगा, 16 का ए। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया, पहला युद्ध आपको मैंने बताया था 1526 में हुआ था, 1526 में इब्राहिम लोधी एंड बाबर के बीच में हुआ था, बाबर जीता था सभी को याद होगा, दूसरा 1556 में हुआ था, ठीक है, और 1556 ऑप्शन में ही नहीं है, कोई बात नहीं, 1764 बक्सर का युद्ध था, 1757 प्लासी का युद्ध था, ठीक है, ये बक्सर का था भाई, लिख लेना यार, ये युद्ध पूछे जा सकते हैं, 1760 में आपका वांडीवास का युद्ध था, 1760 में वांडीवास का युद्ध था, 1191 पानीपत तो हो गया, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में, ये पूछा जा सकता है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान, पहले में पृथ्वीराज चौहान जीते, दूसरे में मोहम्मद गौरी जीते, ठीक है, और एक तीसरा युद्ध भी हुआ था, ठीक है, वो 1215 वो नहीं पूछेगा आपके पेपर में, कभी नहीं पूछेगा, इन दोनों में से क्वेश्चन बन सकता है, तो 1760 वांडीवास, 1757 प्लासी, 1764 बक्सर और 1526 हो गया, 1556 हो गया और 1761, ये तीनों युद्ध का टाइम हो गया, पानीपत का युद्ध ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था तीसरा युद्ध, अहमद शाह अब्दाली एंड मराठों के बीच में हुआ था, 1556 जो है, ठीक है, 1556 है जो अकबर, ठीक है, अकबर के संरक्षक हेमू, ठीक है, उनके साथ में हुआ था, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो कब हुआ था 1556 ईस्वी में हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब मुझे आप सभी हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ ये बताओगे कमेंट सेक्शन में, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, महाराणा प्रताप से हुआ था तो वो बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, 1526, 1761, 1766, 1561 कोई ऑप्शन नहीं है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, ठीक है, महाराणा प्रताप के साथ में हुआ था, तो मुझे लगता है आप सभी को पता ही होगा, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, तो डेफिनेटली सरयू नदी के किनारे पे स्थित है अयोध्या, ठीक है, कानपुर आ जाता है गंगा पे, और गंगा कानपुर के बाद ही आपका प्रयागराज में जाती है, कानपुर के बाद प्रयागराज में जाती है, ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया था इस बार, ठीक है, कानपुर के मतलब ऐसे पूछ लिया था कि गंगा का क्रम बताओ, फिर पटना पड़ेगा, फिर भागलपुर पड़ेगा, ठीक है, मेरे से गलत हो गया था, ठीक है, ऐसे चार ऑप्शन थे कि जबकि हम मान लो पेपर लखनऊ में है, मान लो आपका सीडीएस में था, सॉरी पीसीएस का क्वेश्चन नहीं है, सीडीएस का क्वेश्चन है, ठीक है, सीडीएस के पेपर मैंने देखा था, हाँ अब याद है, पहले कानपुर फिर प्रयागराज फिर पटना फिर भागलपुर, ऐसे करके गंगा का क्रम है, ठीक है, मैंने बहुत पहले याद किया था, कान्हा बाप हवाई वेग से भागा, ठीक है, जिसमें कानपुर आ जाता है, हरिद्वार आ जाता है, बक्सर आ जाता है, हाँ, और पफ और कुछ होता होगा, ठीक है, पटना हो गया, ऐसे करके, तो ऐसे गंगा हो गया ना, नर्मदा के बारे में ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता होगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का भारत का अध्यक्ष को भाई मेरे, योजना आयोग का मैंने बताया था, योजना आयोग 1950 में जिसकी स्थापना हुई थी, इसको इसमें पंचवर्षीय योजनाएं आई, 12 पंचवर्षीय योजनाएं, इसको कन्वर्ट करके 2015 में नीति आयोग बना दिया गया, जिसका हेड आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, तो नीति आयोग का सीईओ को, नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन होगा, नीति आयोग का सीईओ तो बता चुके आप सभी सुब्रमण्यम, ठीक है, तो प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लोकटक झील कहाँ पे है, तो सर लोकटक झील कहाँ पे है, मणिपुर पे हो जाती है, लोकटक झील कहाँ पे है, मणिपुर पे, झिलका झील कहाँ पे है, उड़ीसा पे हो जाती है, सांभर झील कहाँ पे है, राजस्थान पे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वूलर झील कहाँ पे, जम्मू कश्मीर पे हो जाती है, ठीक है, लोकटक मणिपुर पे हो जाती है, आगे कर्नाटक डबल टाइम लिख गया, कोई दिक्कत ना है आपको, तो इजी है, एक क्वेश्चन लास्ट आप सभी के लिए, आप सभी काफ़ी होशियार हो गए, तो कल मैंने क्वेश्चन पूछ लिया था इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है, तो सबने 4 दिसंबर बता दिया, भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी, तो मुझे कमेंट में बताओ इंडियन आर्मी जो इंडियन नेवी डे होता है वो कब मनाया जाता है, और उसके साथ में कब स्थापना हुई थी इंडियन नेवी की, ठीक है, चलो कोई क्वेरी है तो कमेंट में आज कर लेना, सेशन जैसा लगा हो कमेंट
बताना। टेलीग्राम चैनल ऑल इन एजुकेशन के नाम से, पीडीएफ वहीं पे मिलेगा। इसके पहले के सारे पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। तो डेफिनेटली नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा, काफ़ी सारे अपडेट्स एंड काफ़ी कुछ वहाँ पे आपको मिलता रहता है। जय हिंद, ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू एंड टेक केयर।